स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का। मैं हूं आपका जीव विज्ञान शिक्षक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बायोलॉजी एक्स्ट्रा। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं मियोसिस सेल डिवीजन की, और मियोसिस सेल डिवीजन पर हम इसके इंट्रोडक्शन पे बात करेंगे, साथ ही मियोसिस फर्स्ट पर भी हम बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक बात कहना चाहूंगा कि यदि आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। बायोलॉजी से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी जो है मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर डालते रहता हूं, अपडेट करते रहता हूं। साथ ही आप बायोलॉजी क्विज, नीट क्विज या जीके क्विज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे वेबसाइट www.biologyextra.com पर विजिट कीजिए। वहां पर आपको प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक मियोसिस सेल डिवीजन। म्यूसिस सेल डिवीजन ऐसा सेल डिवीजन है जिसमें बनने वाली नई कोशिकाओं गुणसूत्रों की संख्या अपने जनक कोशिकाओं से आधी हो जाती है। भाई आप लोगों को मालूम है कि हमारे शरीर में पाए जाने वाले मुख्य रूप से दो प्रकार की कोशिकाएं हैं, दैहिक कोशिकाएं और जर्मिनल कोशिकाएं। और जर्मिनल कोशिकाओं के द्वारा गैमेट का फॉर्मेशन किया जाता है, युग्मकों का निर्माण किया जाता है और इन्हीं कोशिकाओं में अर्धसूत्री कोशिका विभाजन संपन्न होता है। तो अर्धसूत्री कोशिका विभाजन क्या है कि ऐसा कोशिका विभाजन जिसमें बनने वाली पुत्री कोशिकाओं में, बनने वाली पुत्री कोशिकाओं में, डॉटर सेल्स में गुणसूत्रों की संख्या अपने पेरेंट सेल से, अपने मात्र कोशिकाओं में उपस्थित गुणसूत्रों की संख्या से आधी रह जाती है, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन कहलाता है। ऐसा कोशिका विभाजन जिसमें बनने वाली नई कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या अपनी जनक कोशिकाओं से आधी रह जाती है, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन कहलाता है। जैसे मान के चलिए कि एक कोशिका है और ये कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या 2n है, डिप्लॉइड कोशिका है। जब ये विभाजन करती है तो जो नई कोशिकाएं बनती है उन नई कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या कैसी हो जाती है, आधी हो जाती है, हैप्लॉइड हो जाती है। अगर मान के चलिए यहां पर 46 गुणसूत्र है तो यहां पर ये 23 23 अर्थात कैसी हो गई, आधी हो गई। तो इस प्रकार का जो कोशिका विभाजन है वो अर्धसूत्री कोशिका विभाजन कहलाता है। इस प्रकार का जो कोशिका विभाजन है वो जनन कोशिकाओं में संपन्न होता है, जेनरेटिव सेल्स में संपन्न होता है, जनन कोशिकाओं में संपन्न होता है और जनन कोशिकाओं में गैमेटोजेनेसिस की क्रिया के द्वारा गैमेट का फॉर्मेशन होता है, युग्मकों का निर्माण होता है। और युग्मकों का निर्माण जैसे चाहे वो स्पर्म का निर्माण हो या ओम का हो, स्पर्म मतलब मेल गैमेट और ओम मतलब फीमेल गैमेट। तो यहां पर एक बात समझ में आ गई कि अर्धसूत्री कोशिका विभाजन कहां संपन्न हो रहा है, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन संपन्न हो रहा है जनन कोशिकाओं में। ठीक है, चलिए अब जरा थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री के बारे में पता कर ले। सबसे पहले इस प्रकार के विभाजन को वीजमैन के द्वारा 1887 में देखा गया था। यहां पर ध्यान रखिएगा कि वीजमैन के द्वारा 1887 में सबसे पहले इस प्रकार के विभाजन को देखा गया था। प्लांट में इस प्रकार का जो विभाजन है वो स्ट्रास बर्गर के द्वारा देखा गया था। यहां पर ध्यान रखिएगा कि प्लांट में इस प्रकार का जो विभाजन है वो किसके द्वारा देखा गया था, स्ट्रास बर्गर के द्वारा देखा गया था। जबकि फार्मर और मूरे ने इस प्रकार के विभाजन के लिए मियोसिस शब्द का यूज किया, मियोसिस शब्द का यूज किया। तो वीजमैन ने सबसे पहले देखा, उन्होंने क्या देखा कि कुछ कोशिकाएं ऐसी है जहां पर विभाजन के पश्चात गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है, और इसी प्रकार का विभाजन स्ट्रासबर्गर के द्वारा प्लांट में देखा गया। जबकि फार्मर तथा मूरे के द्वारा इस प्रकार के विभाजन के लिए मियोसिस शब्द का यूज किया गया। अब मियोसिस शब्द की अगर हम बात करें तो यहां मियोम शब्द से मिलकर बना है जिसका अर्थ है टू रेड्यूस। टू रेड्यूस मतलब आधा हो जाना, कम हो जाना। ठीक है, चलिए तो यहां बहुत सारी बातें आपके क्लियर हो गई। अब चलिए मेथड हम देखते हैं कि मियोसिस सेल डिवीजन कितनी मेथड्स में संपन्न होता है। देखिए यहां पर एक बात मैं क्लियर कर दूं कि मियोसिस सेल डिवीजन जितने कोशिका विभाजन है, जितनी सेल डिवीजन है उनमें सबसे कठिन है। तो इसको स्टेप बाय स्टेप अगर आप समझ लें तो आपको बहुत ही आसानी जाएगी। तो चलिए जरा समझे। देखिए मियोसिस सेल डिवीजन को टिपिकल सेल डिवीजन की तरह इसको दो भागों में हम बांट सकते हैं। दो भाग कौन कौन से, सबसे पहला इंटरफेस,
जिसको हम तैयारी अवस्था कहते हैं, जहां पर कोशिका विभाजन के लिए आवश्यक तैयारी करती है। ठीक है, इंटरफेज के बाद आ जाता है डिवीजन फेज, जिसको हम एम फेज कहते हैं। ठीक है, डिवीजन फेज जहां पर वास्तविक रूप में कोशिकाएं विभाजित होती है। अब देखिए अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में इस डिवीजन फेज को एम फेज को तीन भागों में बांटा जा सकता है। अब तीन भाग कौन कौन से देखिए, सबसे फर्स्ट है मियोसिस फर्स्ट। फर्स्ट क्या है, पहला है एम फेज को तीन भागों में कौन कौन से बांटा है, मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस सेकेंड, मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस सेकेंड, और इन दोनों के बीच में एक शॉर्ट इंटरफेज भी होती है। क्या होगा, शॉर्ट इंटरफेज। तो एम फेज को कितने भागों में बांट दिया भाई, मियोसिस फर्स्ट इंटरफेज और मियोसिस सेकेंड। अब चलिए वापस आते हैं मियोसिस फर्स्ट की तरफ। मियोसिस फर्स्ट को पुनः दो भागों में बांट दिया गया, कैरियोकाइनेसिस, आपको मालूम है कैरियोकाइनेसिस वहां विभाजन होता है जिसमें केंद्रक का विभाजन होता है, कैरियोकाइनेसिस, और दूसरा है साइटोकाइनेसिस। तो मियोसिस फर्स्ट को कितने भागों में बांटा गया, दो भागों में, कौन कौन से, कैरियोकाइनेसिस और दूसरा क्या है, साइटोकाइनेसिस। ओके, अब कैरियोकाइनेसिस की बात करें तो कैरियोकाइनेसिस को मुख्य रूप से बांटा गया है चार फेजेस में। चार फेजेस कौन कौन से देखे, प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट और टीलोफेज फर्स्ट। कैरियोकाइनेसिस को कितने भागों में बांटा गया, ध्यान रखिएगा, प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट और टीलोफेज फर्स्ट। इनमें से जो प्रोफेज फर्स्ट है ये काफी कॉम्प्लिकेटेड स्टेज है और हमको इसी स्टेज का विस्तृत रूप में अध्ययन करना है। तो प्रोफेज फर्स्ट को पुनः पांच भागों में बांटा गया, इनको जरा अच्छे से याद रखिएगा। प्रोफेज फर्स्ट को तीन भागों में बांटा गया, सबसे फर्स्ट है लेप्टोटीन, दूसरा है जायगोटीन, तीसरा है पैकाइटीन, चौथा है डिप्लोटीन और पांचवा है डाइकाइनेसिस। एक बार पुनः देखें कि प्रोफेज फर्स्ट को कितने भागों में बांटा गया, लेप्टोटीन, जायगोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। ओके, क्लियर यहां पर। तो आपने क्या देखा कि मियोसिस फर्स्ट में सबसे पहले क्या होगा, कैरियोकाइनेसिस होगा, कैरियोकाइनेसिस में सबसे पहले प्रोफेज फर्स्ट और प्रोफेज फर्स्ट में लेप्टोटीन, जायगोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस, उसके बाद मेटाफेज फर्स्ट, फिर एनाफेज फर्स्ट, फिर टीलोफेज फर्स्ट। अब टीलोफेज फर्स्ट कंप्लीट होने के बाद साइटोकाइनेसिस होगा और साइटोकाइनेसिस होने के बाद एक सॉल्ट इंटरफेज होगा, ठीक है, अंतरावस्था होगी, और अंतरावस्था होने के बाद अब ये कोशिका सेकेंड मियोसिस के अंतर्गत तैयारी करेगी, सेकेंड मियोसिस डिवीजन होगा, और सेकेंड मियोसिस डिवीजन में भी इसको हम दो भागों में बांटेंगे, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। अब कैरियोकाइनेसिस को पुनः चार भागों में बांट दिया गया, प्रोफेज सेकेंड, मेटाफेज सेकेंड, एनाफेज सेकेंड और टीलोफेज सेकेंड। ठीक है, कैरियोकाइनेसिस कितने भागों में बांटा गया, प्रोफेज सेकेंड, मेटाफेज सेकेंड, एनाफेज सेकेंड और टीलोफेज सेकेंड। और जैसे ही टीलोफेज सेकेंड कंप्लीट होगा अब इसके बाद क्या जाएगा, साइटोकाइनेसिस, और वास्तविक रूप से यहां पर कोशिकाएं पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। तो यहां पर एक बार पुनः मैं आपको शॉर्ट में रिवाइज करा दूं, सबसे पहले कौन सी स्टेज आएगी, इंटरफेज आएगी, इंटरफेज के बाद मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस फर्स्ट में कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस में प्रोफेज फर्स्ट, प्रोफेज फर्स्ट में लेप्टोटीन, जायगोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस, फिर मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, टीलोफेज फर्स्ट, फिर इसके बाद साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस के बाद इंटरफेज, इंटरफेज के बाद मियोसिस सेकेंड के अंतर्गत कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस में प्रोफेज सेकेंड, मेटाफेज सेकेंड, एनाफेज सेकेंड, टीलोफेज सेकेंड और अंत में आएंगे साइटोकाइनेसिस। इसे एक बार जरूर अच्छे से नोट कर लें क्योंकि ये काफी महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप हम इस तरह से आगे बढ़ेंगे।